इंडिपेंडेंस डे हम सब ने यहाँ मिलकर उत्साहपूर्वक मनाया। दुनिया की पहली ऐसी हस्ती हेलन केलर थी जिन्होंने डेफ ब्लाइंड होते हुए अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। ये एक शिक्षिका और एक समाज सेविका भी थी। 27 जून 1880 को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है और आज के शुभ अवसर पर मैं सरदार श्री कमलवीर सिंह जग्गी जी को आमंत्रित करता हूँ कि कुछ दो शब्द सर के लिए और हेलन केलर मैडम के लिए कुछ कहें। श्री कमलवीर सिंह जग्गी जी, आज हम सब लोग गैदर हुए इकट्ठे हुआ हैं यहाँ पे और हेलन केलर की याद में ये दिन हर साल मनाया जाता है। जैसा अभी अमित सर ने भी बताया कि 27 जून 1880 को इनका जन्म हुआ था और ग्रेजुअली इनकी विजिट दी गई और इसके अलावा हियरिंग इम्पेयर भी हुई और बोल भी नहीं पाती थी, तो तीनों विजिबिलिटीज एक साथ इनके साथ थी। और इन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जिसमें अपने 11 साल तक के जीवन को कवर किया बहुत छुपन से और एक एक चीज को बड़ी माइन्यूटली इन्होंने डिस्क्राइब किया उस ऑटोबायोग्राफी में। और पढ़ के लगता है कि कितना स्ट्रगल बचपन से ही इन्होंने फेस किया। और ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये स्कूल में प्रिस्क्राइब की गई है 10th क्लास में इंग्लिश के बच्चों के लिए, और बच्चे भी बड़े इंथुजियाज्म से, बड़े इंटरेस्ट से, बड़े क्यूरियोसिटी के साथ इसको पढ़ते भी हैं। हेलन केलर इंडिया भी आई थी 1955 में और हमारा एक दिल्ली का प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है बीआरए, वहाँ भी वो पहुँची थी। तो उनके नाम पे वहाँ भी एक भवन, एक हॉल बनाया गया है जिसमें लाइब्रेरी है, हेलन केलर भवन। तो हालांकि वो बोल जरूर नहीं सकती लेकिन अपने साथ जो लोग लाई थी, एन सलिवन उनकी टीचर है जिन्होंने उन्हें बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया और जो जो उनकी अभिव्यक्तियाँ थी वो जगह जगह उन्होंने व्यक्त की। कहीं भी वो जाती थी तो एन सलिवन जी के माध्यम से अपनी सारी अभिव्यक्तियाँ करती थी। वो इंडिया में आके उनको एक विशेष अनुभूति, बहुत स्पेशल, उन्होंने बोला भी कहीं ना कहीं चीज को कि इंडिया में आके मुझे बहुत ही स्पेशल, बहुत अलग महसूस हुआ। और ये भी एक इत्तेफाक है कि 1 जून के महीने में उनका जन्म हुआ था और मृत्यु भी जून के महीने में हुई, 1 जून 1968 को उनका देहांत हुआ। और पूरी जिंदगी डिसेबिलिटी के साथ बिताने के बाद भी एक दो जगह जरूर उन्होंने अभिव्यक्त किया कि मेरी बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ रही है, पर फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ के बावजूद भी एक बड़ी एपिटमी लोगों के लिए बनी, एक उदाहरण बनी, एक ऐसा उन्होंने एक उदाहरण क्रिएट किया लोगों के लिए जो ये दिखाता है कि एबल बॉडीड लोगों के लिए कितनी चुनौती है जब एक ऐसी डिजेबल्ड महिला जिसकी 5 में से 3 सेंसेस अगर ना हो फिर भी वो सर्वाइव करे, और ना सिर्फ सर्वाइव करे बल्कि क्रिएटिविटी के साथ सर्वाइव करे। बहुत अच्छी बुक्स उन्होंने और भी लिखी हैं और वो बुक्स भी पढ़ी जाती हैं आज भी। एक ऑथर बनी, एक हर तरह से उन्होंने फील्ड में कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की और भी चीज़ें, क्वालिफिकेशन भी हासिल की, तो सब कुछ किया, कुछ भी ऐसा नहीं लगा उनकी लाइफ में कि वो एक नॉर्मल अगर ह्यूमन बीइंग होती, तीनों डिसेबिलिटीज में ना होती, जो सब कुछ वो तब करती, तो इस समय भी उन्होंने डिसेबिलिटीज के साथ ही सब कुछ किया। बहुत चैलेंज एक्सेप्ट किया। और मैं सब लोगों को ऑफिशियल्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग सब आज शॉर्ट नोटिस पे इकट्ठा हुए, और इसके लिए हमारे निदेशक महोदय श्री मांचू दास जी ने इनिशिएटिव लिया। और इस बात को याद रखा कि एक, क्योंकि डिसेबिलिटीज के लिए काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है हेलन केलर भवन, यहाँ हमने भी एक अपने पूरे इस बिल्डिंग को नाम दिया है। तो खाली नाम रखने से देने से कुछ नहीं होता, ऐसे मौकों पे इन्हें याद करना अनिवार्य है। तो इस अनिवार्यता को, इस इनेविटेबिलिटी को ध्यान में रखा हमारे सर हिमांशु दास जी ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का भी कि उनके नेतृत्व में हमने एक छोटा सा एक आयोजन रखा जिसमें हम सब लोग ऑफिशियल हो गए।
तो मैं आग्रह करता हूँ डॉक्टर हिमांशु दास जी से कि एक प्रेरणा स्वरूप हम सबके लिए दो शब्द वे यहाँ पे हम सबके लिए कहें। डॉक्टर हिमांशु दास जी धन्यवाद जी, आप सबको जन्म कलर के दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब लोग यहाँ आए शनिवार को छुट्टी के दिन, इसके लिए आप सबको मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। हेलन केलर की जो जिंदगी है वो हम जैसे संस्थाओं के लिए और हम जैसे प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही अहम है। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जो टीचर थी यानी सुलेवन, उनकी आगमन के पहले पूरे विश्व में डेवलाइन का शिक्षा या वो आगे कुछ भी जिंदगी में कर सकते हैं ऐसा कोई परिभाषा थी ही नहीं। डेडलाइन लोगों की हालत, एक कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, इमोशनल डिसऑर्डर, बिहेवियर डिसऑर्डर, डेफ, ब्लाइंड, म्यूट, ये सब की कॉम्बिनेशन में वो लोग अजीबोगरीब जिंदगी जी रहे थे। उसके बाद जो एक छोटी सी बच्ची यानी सुलेवन तो बच्ची ही थी, छोटी सी बच्ची ने किस तरीके से ये जिंदगी का द्वार खोला और हेलन केलर की जिंदगी में किस तरीके से रोशनी लाए, किस तरीके से उनको जीवन के साथ, धरती के साथ, दुनिया के साथ, इंसानों के साथ मिलाने के लिए प्रयास कर रही है, वो हम जैसे संस्थाओं के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही सीखने लायक एक लेसन है जिंदगी में। दूसरा जो अहम चीज है हम लोग उनकी जिंदगी में सीखते हैं, जो आज की डेट में भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, ब्लाइंडनेस की परेशानी मान लीजिए चार तकलीफें हैं, डेफनेस की परेशानी चार है, तब डेफब्लाइंडनेस की परेशानी समझने की बारी आती है। पूरे दुनिया वाले आज की डेट में भी समझते हैं चार और चार मिलाकर आठ, तो इनकी तकलीफें आठ है। इन हकीकत में जब आप हेलन केलर की जिंदगी देखेंगे, डेफब्लाइंड लोगों की जिंदगी को देखेंगे, एनी सुलेवन की जो जर्नी रही है उनके टीचर की, उनको शिक्षा देने को देखेंगे, ये चार और चार मिलाकर आठ नहीं है, चार और चार का गुणा 16 है। कोई भी डेडलाइन इंसान की जो जिंदगी की तकलीफें होती है वो चार और चार गुणा 16 परेशानी से भरी हुई होती है। उसके बावजूद भी जिनको सही सपोर्ट मिली है, सही प्रोफेशनल गाइडेंस मिली है, सही मोटिवेटेड प्रोफेशनल जो अपने अंदर उत्साह रखते हैं, ग्रिप रखते हैं, डेडिकेशन रखते हैं डेडलाइन लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की, ऐसे लोगों की हाथ लगते ही डेडलाइन लोगों को हमने जिंदगी से बढ़ते हुए देखा है, उनको बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट की तौर से गुजरते हुए देखा है। इस संदेश के साथ मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इनकी जिंदगी की ये जो 16 परेशानी है इसको हम समझने की कोशिश करें और उनकी जिंदगी में कुछ एम्पावरमेंट की, उनकी जिंदगी को आगे बढ़ने की मौका देने की जो प्रणाली है उसमें सब लोग अपना सतत भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर जसमेर को आमंत्रित करता हूं कि वे आज धन्यवाद प्रस्ताव के साथ आए। डॉक्टर जसमेर। धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से करवाने के लिए हमारे निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास जी, जिन्होंने इस हेलन केलर डे को हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट में सेलिब्रेट करने का लक्ष्य लिया और उसको कार्यान्वयन दे दिया। साथ ही साथ सभी ऑफिसर कम समय में सुबह के एक मैसेज से यहाँ पर आए और सबने अपना कीमती समय भी दिया और योगदान भी दिया और एक महान हस्ती को याद किया कि किस प्रकार से उसने विश्व के सेक्टर में अपने योगदान दिया है। दिव्यांगता के क्षेत्र में एक नई पहल की शुरुआत जो की थी 19वीं शताब्दी में, आज 21वीं शताब्दी में उसको हमें जरूरत है कि हम राष्ट्रीय संस्थान हैं, हम दूसरों को पथ प्रदर्शक बने, न केवल अपने यहाँ पर हेडक्वार्टर पर। अभी हमारा उद्देश्य है कि देश के प्रत्येक कोने में एक मैसेज जाए, हमारे मंत्रालय में एक मैसेज जाए कि NIBH जो NIP वीडियो बन चुका है, प्रत्येक दिव्यांग जो दृष्टि दिव्यांग है नहीं उसके लिए कार्य करेगा, अभी जो डेफलाइन बच्चे हैं उनके लिए भी ये पूरी तरह से सशक्त मोटिवेटेड रूप से काम करेगा। हमारे सभी अभी सरदार कमलवीर जगदी जी का जो संबोधन था बहुत ही प्रेरित करने वाला था हम सभी के लिए और उसमें एक मैसेज है हमारे लिए कि किस प्रकार से हमें और ज्यादा इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। जैसे उन्होंने अपने प्रयास से आज ये हम सेलिब्रेट कर पाए हैं। हम चाहेंगे कि निदेशक महोदय से कि डिसेबिलिटी के क्षेत्र में जितने भी हमारे डेज हैं, जितने भी
जिन पर हमारे प्रकार के विभिन्न विक्रांत है जो आज के साथ आगे हैं, उनके ऊपर हमें एनुअल अकेडमिक रूपरेखा तैयार करें, ताकि इस प्रकार से ये जो आज हमें प्रॉब्लम हुई है कि हम सभी अधिकारी कर्मचारी अपने समय के अनुरूप इस कार्यक्रम को पूरा कर नहीं दे पाए, आगे से इसके ऊपर हम पूरा कर पाए। आप सभी आए और इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे बीच में हमारे डॉक्टर साहब हैं जिनका एक बहुत लंबा जुड़ा अनुभव है मेडिकल क्षेत्र में, कि वो भी किस प्रकार से कोविड के समय में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। स्पेशली सर आपका भी धन्यवाद, सभी सफाई कर्मचारियों का, सभी प्रकार के माध्यमों का और सभी अन्य जितने भी हमारे यहाँ पर कर्मचारी हैं सिक्योरिटी गार्ड से, उनका स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आए और इस प्रकार से हमने याद करते हुए उनके प्रेरणा लेने का संकल्प किया। बहुत बहुत धन्यवाद।